नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आजकल बहुत से युवा वर्ग जिम जाने का शौक रखते हैं। जिम में मेहनत करने वाले लोग को हमेशा प्रोटीन पाउडर पीने की सलाह दी जाती है। इसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट का भी उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट के उपयोग से शरीर मजबूत और मांसपेशियां बहुत गठीली बन सकती है। इसमें चावल, आलू, दूध, अंडे का उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और फैट भी बढ़ने लगता है। इससे शरीर के कुछ अंगों का नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है, खासतौर से लीवर, किडनी। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ज़्यादा सेवन करने से हड्डियां में कमजोरी आने लगती है, जो उम्र बढ़ने के बाद हमें पता चलती है। कभी कभी प्रोटीन सप्लीमेंट का ज़्यादा उपयोग करने पर मुहासे होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसा होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट में हम उच्च मात्रा में पानी, विटामिन, फाइबर का उपयोग नहीं करते। इस वजह से विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो लगती है। आप चाहे तो प्राकृतिक प्रोटीन लेना भी सेहत के लिए सही होता है। इससे शरीर में प्रोटीन तत्वों की संतुलन नहीं बिगड़ पाती। ज़्यादा प्रोटीन पाउडर के सेवन से शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है और इसकी वजह से शुगर हो जाती है। प्रोटीन पाउडर में बहुत सारी धातु होती है, जैसे पारा, सीसा, कैडमियम, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इसका उपयोग करने से सिरदर्द, थकान, चक्कर जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट का उपयोग कम से कम करें।